इस्लाम की आवाज़, ज़िला शेखपुरा के इलाके सफदराबाद के रिहायशी शरीफ मसीह की अरासी पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ नेशनल क्रिश्चियन पार्टी मैदान अमल में आ गई और नाजायज़ कब्जे के खिलाफ शरीफ मसीह के लिए मसीहा बन गई। शरीफ मसीह की ज़मीन कब्जे से वागजार कराने का अज़म पार्टी सरबरा शबीर शफकत ने इंसाफ के हसूल के लिए जदोजहद का इरादा करते हुए कहा कि शरीफ मसीह को इसका जायज़ हक दिला कर रहेंगे और नाजायज़ कब्जा छुड़ाने के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं। यस्सु के अजीम और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। अब जुल्म की दास्तानें बढ़ती जा रही हैं, मसीहों पे जुल्म कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। आज भी एक हम बुज़ुर्ग फैमिली से मिले हैं जो सख्त मुफलसी और कपरसी की हालत में है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इनका ताल्लुक सफदराबाद डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से है, पंजाब से है। इनकी जो ज़मीन थी वो इतनी ज़्यादा है कि आप हैरान हो जाएंगे। कुदरती मोड़ के ऊपर 5 मरबे इनकी ज़मीन है जो शेख अब्दुल नाम के बंदे ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है और उसके बाद 222 कनाल जगह जो है जिसका मरबा नंबर 122 है जो बाली नवा पिंड वरका के इलाके के अंदर है, वहाँ पे भी दोनों इलाकों में इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है। और इन्होंने 2012 के अंदर वज़ीरे आला पंजाब को ख़त लिखा था और वज़ीरे आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद को लेटर लिखा इनके लिए, लेकिन उसके बावजूद, ये देखें ये लेटर भी है, उसके बावजूद भी कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। जब ये पुलिस स्टेशन में भी गए हैं, पुलिस वालों ने भी इनके साथ कोई कॉपरेट नहीं किया। वो बंदे, याद रखें मैं आपको बता दूं, वो जो काबजीन हैं वो पहले मुफलस थे, उनके जब इनके कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद आज वो बहुत बड़े दौलतमंद बन गए हैं, आज बड़े ज़िम्मेदार बन गए और ये एक मसीही फैमिली गरीब से गरीब तर होती चली गई। और उसके बाद इन्होंने जब अब रिस्टोरेशन के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन की कोर्ट के अंदर, ये देखें, इसके अंदर भी इनको जो है साबित हो गए, क्योंकि इनके पास फर्दें वगैरह सारी चीज़ें जो हैं इनके पास मौजूद हैं, उसकी बिना पर कोर्ट ने भी इनके हक में फैसला दिया, उसके बावजूद भी इनको ये ज़मीन ये नहीं मिल सकी। देखिए कितना जुल्म है, यानी कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएं, वज़ीरे आला को भी ख़त लिखें, उसके कोशिशें भी करें, ये बुज़ुर्ग की उम्र आप देखिए क्या हो गई है, क्या हालत हो गई है, उसके बावजूद भी इनको ज़मीन नहीं मिली और वो ज़ालम जो काबजीन थे आज अमीर से अमीर तर हो गए। तो खुदा के लिए मैं अपील करता हूँ हमजा शबा से कि वो खुदारा, आप एक नौजवान हैं, आप इस को टेस्ट केस लें और इस गरीब ख़ानदान को इंसाफ दिलाएं। और आपके अगर MPAs उधर हैं शेखुपुरा के अंदर या कोई आपका MNAs या आपका असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद है, आप उनसे सख्त बाजपुरस करें और इस गरीब ख़ानदान की ज़मीन जो है इनको वापस दिलाएं। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं होगा, क्योंकि ये बेचारे क्रिश्चियन फैमिली गरीब से गरीब तर हो रही है और वो दरिंदे जो हैं अमीर से अमीर तर हो रहे हैं।